12 नवंबर यानी दिवाली के दिन उत्तराखंड में एक दर्दनाक हादसा हुआ। उत्तरकाशी यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर निर्माणधीन टनल का एक हिस्सा धस गया। 40 मजदूर टनल के अंदर फंस गए। तब से ये मजदूर हर दिन, हर घंटे, हर मिनट जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले 6 दिन से सुरंग में फंसे मजदूरों के लिए बिना रुके, बिना थके लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। विदेश से मशीनें मंगाई गई, लेकिन अब तक मजदूरों को बाहर नहीं निकाला जा सका। बताया जा रहा है कि टनल में फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने में अभी समय लग सकता है। वहीं जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, टनल के अंदर फंसे मजदूरों के लिए खतरा और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आइए जानते हैं कि मजदूरों के लिए टनल के अंदर कौन सी परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। बता दें कि टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी इस पूरे मिशन को पूरा करने के लिए सहयोग दे दिया। फिलहाल 24 मीटर तक ड्रिल कर दिया गया है, लेकिन फिर से कुछ मुश्किल आने लगी है। टनल में लगे सरिया की वजह से खुदाई में परेशानी आ रही है। बताया जा रहा है कि मजदूरों को सुरंग से बाहर निकालने के लिए अब तक 6 पाइपलाइन डाली जा चुकी है और 4 और डाली जानी है। लगभग 10 पाइपलाइनों के सहारे इन मजदूरों को बाहर निकालने की कवायद की जा रही है। एक पाइपलाइन की लंबाई लगभग 6 मीटर की है, जबकि चौड़ाई 3 फीट है। जिस मलबे को हटाना है उसकी लंबाई 70 फीट तक बताई जा रही है। अब तक कुल 24 मीटर तक की खुदाई हो पाई है। वहीं अगर जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा नहीं होता है तो इन मजदूरों की जिंदगी खतरे में आ जाएगी। लगातार ऑक्सीजन की कमी से बेहोश होना, खाने की कमी से हालत बिगड़ना, लाइट और ठंड की वजह से हाइपोथर्मिया, इस प्रकार के लक्षण शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे जैसे वक्त निकलता जा रहा है, वैसे वैसे मजदूरों के लिए मुश्किलें और ज्यादा बड़ी होती जा रही है। सूत्रों की माने तो इन मजदूरों के पास अंदर एक जनरेटर था, जिसकी मदद से यह लोग अंदर रोशनी में रह रहे थे। लेकिन धीरे धीरे उसका ईंधन भी खत्म होता जा रहा है। लाइट बंद हो जाने से खतरा और भी बढ़ सकता है। इन तमाम परेशानियों को लेकर एक बड़ी हाई लेवल की मीटिंग हुई है, जिसमें ACS राधा रतूड़ी ने बताया कि राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी लगातार लगी हुई है। हमने कुछ एक्सपर्ट्स मौके पर भेजे हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद कर रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि मजदूरों को जल्द बाहर निकाला जाए। मशीन लगातार काम कर रही है, हर घंटे 3 से 5 मीटर तक खुदाई हो रही है। वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।